हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको अजमेर शरीफ में आना सागर झील, आना सागर चौपाटी, जो भी आना सागर नई चौपाटी बनी है पूरा आना सागर दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी काटना मत। अभी जैसे कि आप सभी को मालूम है अपने चैनल पर अजमेर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो मेरे पास कई कमेंट आ रहे थे कि अजमेर में आना सागर झील है, आना सागर चौपाटी, तो वह दिखाइए। तो इससे पहले मैंने कई बार अजमेर के वीडियो अपलोड करे हैं यहाँ के आना सागर चौपाटी के, कई बार मतलब पूरी आना सागर चौपाटी पूरी घुमा करके दिखाई, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा यहाँ की खूबसूरती और काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ का माहौल है। जैसे कि अभी हवा में उड़ते हुए यहाँ पर पक्षी भी है जो हवा में ही दाना खिला रहे हैं यहाँ पर। अभी आप बस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को बस काट काट के मत देखना। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करना आपको और कहाँ का वीडियो चाहिए अजमेर से रिलेटेड, तो वहाँ का वीडियो मैं आपको बना करके अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो जैसा कि अभी यहाँ आप पूरा पीछे से नज़ारा देख सकते हो, अभी चलेंगे आगे आपको पूरा नज़ारा बताते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो अभी पूरा नया बना है यहाँ पे, और भी यहाँ पे पौधा प्रदर्शनी लगी है यहाँ पे, कई सारे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं जो कि अभी आपको बैक कैमरे से बताऊँगा। आप ये देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सजावट करी गई है यहाँ पर, ये पूरा अभी वेलकम लिख रखा है आना सागर नई चौपाटी ये पूरी। अभी चलते हैं आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे किस प्रकार का यहाँ का नज़ारा है, जैसे कि काफ़ी बढ़िया सीन आ रहा है यहाँ पे। अब बैक कैमरे से आपको बताते हैं, वेलकम काफ़ी बढ़िया लिख रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये बैक कैमरे से आप पूरा नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया यहाँ का सीन है। और यहाँ पर पूरी जगह जैसे कि आप देख सकते हो पौधे लगाए गए काफ़ी सारे, ये पूरी एक तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई है पौधों की। और भी अभी हम आगे चलेंगे, पहले ये सीन देखिए आप यहाँ का किस प्रकार का, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। और जो ये पेड़ों से वेलकम लिख रखा है काफ़ी शानदार, काफ़ी बढ़िया माहौल। और दोस्तों ये जैसे कि आना सागर झील, ये पूरी आप देख सकते हो किस प्रकार से अभी लबालब यहाँ पे पानी भरा हुआ है पूरे, मतलब अभी अधिकतर पानी भरा हुआ है। अभी आगे चलेंगे, और यहाँ पे अगर आप आना सागर झील आते हो तो यहाँ पे मच्छियों को मतलब दाना डालने के लिए यहाँ पे दाने वाले भी है, आपको आराम से 10-10, 20-20 रुपए में दाना आराम से मिल जाएगा। और अभी आना सागर बारह धरी अभी आपको बताऊँगा कैमरा जूम करके, पहले आप देखिए काफ़ी बढ़िया यहाँ का शाम का वक्त का माहौल है। पानी एकदम मतलब नीला नीला एकदम क्लियर। और दोस्तों यहाँ पे अजमेर शहर में जो आना सागर है यहाँ पे साफ़ सफाई का काफ़ी बढ़िया ध्यान रखा जाता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कितना मतलब स्वच्छ और एकदम क्लीन वातावरण है। यहाँ का माहौल भी काफ़ी बढ़िया, जैसे कि ये कई पौधे हैं जो लगाए गए हैं, और इनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर गार्ड भी है, आप इन्हें छू नहीं सकते हो, सिर्फ आप देख सकते हो, वीडियो क्लिप बना सकते हो। तो आज ही ये पौधा प्रदर्शनी लगाई गई है, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे पौधे हैं जैसे कि, और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा पूरे मतलब पूरी चौपाटी में पीछे की साइड पौधे ही पौधे हैं। और अभी आपको ख्वाजा साहब का जो चिल्ला मुबारक है अभी जूम करके बताऊँगा, यहाँ से दिख भी रहा है दोस्तों, काफ़ी करामती मतलब काफ़ी करिश्मे हैं आना सागर के भी, जो आपने कहीं सुने होंगे यहाँ की हिस्ट्री देखी होगी। ये वाराधरी है, अभी शायद आगे तक मैं आपको लेकर के चलता हूँ वहाँ तक चौपाटी में। और यहाँ पे आपको कैमरे में ऐसा लग रहा हो जैसा पानी एकदम लेवल में है, और अभी देख रहे हो काफ़ी लबालब पानी भरा हुआ है। हालांकि इस बार बरसात ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इससे पिछले साल काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई थी। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं आगे, और आगे का सीन देखते हैं आगे किस प्रकार का सीन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेलकम लिखा हुआ है, और हरियाली से
काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे सजाया गया है और ये प्रदर्शनी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे अभी चैन लगी हुई है, यहाँ पे पूरा मतलब आगे तक पेड़ पौधे हैं, पौधे ही पौधे, काफ़ी बढ़िया तरीके से, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ये आना सागर चौपाटी है, ये पूरी मतलब आना सागर के एकदम गोलाई में पूरी नई चौपाटी बन चुकी है, हर किनारे किनारे पे चौपाटी है। ये पूरा यहाँ का माहौल है, जैसे कि देखो कितने पौधे हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करी गई है इन्हों को लगाने के लिए और चौपाटी को सजाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे गंदगी और कचरा फेंकना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और रोड पे भी अब तो अलाउ नहीं बिल्कुल भी। जैसे कि ये रास्ता देख सकते हो, घाटी बोलते हैं इसको, यहाँ से अभी हम आए थे वो तारागढ़, जो आप टावर देख रहे हो दूरदर्शन का टावर है तारागढ़ पे, जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा अभी पहाड़ों पर कई मकान भी बने हुए हैं। अजमेर शरीफ की पहाड़ है ये पूरा, ये यहाँ का भी काफ़ी बढ़िया शाम के वक्त का नज़ारा, काफ़ी मस्त। ये पूरा जो भी ख्वाजा साहब का चिल्ला मुबारक है ऊपर पहाड़ के ऊपर, जो गुंबद नज़र आ रहा है आपको अजमेर शरीफ में, ख्वाजा साहब का चिल्ला मुबारक, जो काफ़ी कमेंट आ रही थी कि यहाँ का वीडियो भी बनेंगे, तो मैंने यहाँ का वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, एक बार मैं फिर से बना करके अपलोड करूँगा नए सिरे से, क्योंकि वह है लॉकडाउन से पहले का था। और ये चौपाटी अभी, चलिए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं और आगे का सीन भी देखते हैं। और ये देख सकते हो अभी किस प्रकार से कबूतर और पक्षी उड़ रहे हैं, ये भी मतलब काफ़ी अच्छा नज़ारा है। अभी आगे चलेंगे हम और आगे का सीन भी देखेंगे, आगे किस प्रकार का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। एक बार मैं पहले यहाँ पे कैमरा घुमा देता हूँ और भी दिखा देता हूँ यहाँ का सीन। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बस देखने के बाद आगे से आगे शेयर करना, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज अपने चैनल के 1,85,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं। 2,00,000 सब्सक्राइबर होने में करीबन 15,000 सब्सक्राइबर और चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिए और आगे से आगे शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, और अगला वीडियो कहाँ का चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ से भी काफ़ी बढ़िया सीन आ रहा है आना सागर का। जैसे कि अभी देख सको कि पक्षी यहाँ पे, इनको हवा में ही दाना, कई लोग ऐसे ऊपर उछाल के दाना डाल रहे थे, तो ये पक्षी हवा में ही दाना खा रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा सीन था। और ये बाराधरी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आना सागर बाराधरी है ये, जो संगमरमर से बना हुआ है पूरा। पूरा नज़ारा आप यहाँ पे देख सको, काफ़ी बढ़िया बीच में। चलिए फ्रेंड मिलते हैं अब अगले वीडियो में, और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।